फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम फूड फॉर लाइफ किचन में चंद्रकला बनाएंगे। चंद्रकला बनाने के लिए पहले हमें डो बनाना है मैदे का। इसके लिए हमने 200 ग्राम मैदा लिया है। 200 ग्राम मैदे के लिए 50 ग्राम घी चाहिए हमें। ये देसी घी लिया है हमने। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। इसमें हम ये 200 ग्राम मैदे में 50 ग्राम घी डाल दिया। अब इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे, सख्त सा। इसका डो थोड़ा सख्त होता है, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं और लूज भी नहीं होता है। ये देखिए, इसका एक जो है ऐसे डो जब बनाते हैं हम तो मुट्ठी में इसका इस तरह से हो जाता है, ब्रेड क्रम की तरह इसका डो हो जाता है। और मुट्ठी जब बांधते हैं तो बन जाता है। इसी तरह का हमें डो बनाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। पानी एक बार में ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। आधा कप के करीब हमने पानी लिया है। ये देखिए, हमारा आटा जो है मैदा गूंद गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब हम अपनी फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम गैस को ऑन करते हैं। गैस की आंच को मीडियम टू लो पे रखेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें सूजी का डाल देंगे। सूजी को हम थोड़ा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। दो मिनट लगेंगे इसको भूनने में। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है हमें, थोड़ी खुशबू आने तक। अब देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। 1 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए। अब इसी के साथ हम थोड़े से हमने कटे हुए ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता। इसको भी हम इसी के साथ भून लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट ये भून जाएंगे तो थोड़े क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए, ड्राई फ्रूट सूजी के साथ अच्छे से भुन गए हैं। अब इन्हें हम सबको एक पैन में निकाल देते हैं। ये देखिए, मावा हमारा अच्छे से भुन गया है और पैन छोड़ दिया है मावा ने। अब इसे भी हम बाउल में निकाल देते हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं।
इन सबको एक साथ मिला देते हैं। अभी इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, शुगर अभी गर्म है माँ बाप, अभी गरम गरम में अगर डालेंगे तो चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी, तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद और जितनी भी सामग्री हमें डालनी है हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए स्टफिंग हमारी अब ठंडी हो गई है, इसमें हम चीनी डालते हैं पीसी हुई 100 ग्राम, 100 ग्राम है चीनी है ये, इसको हमने पीस लिया है पाउडर। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर डालते हैं, नटमेग डाल रहे हैं हम, इतना हमने ग्रेट कर लिया है, नटमेग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर कूट कर ताजी काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब ये फिलिंग हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। चलिए हम अपना आटा देख लेते हैं जो हमने डो बना के रखा था। 10 मिनट हो गए हैं, ये आटा हमारा सेट हो गया। थोड़ा सा इसको मसल देते हैं। और ये एक कटोरी में हमने 1 टेबलस्पून मैदा लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसका एक पतला घोल तैयार कर लेते हैं। इसकी हम लोइयां बना लेते, बड़ी बड़ी लोई बना लेते हैं गोल करके, इसको प्लेटफॉर्म पे बेलते हैं, एक बड़ी रोटी के आकार का बेलेंगे। डो हमारा अच्छा तैयार है, इसमें मैदा लगाने की जरूरत नहीं है और एक बराबर इसको बेलना, कहीं पतला कहीं मोटा नहीं होना चाहिए। इसे हम एक बराबर किनारे से बेलेंगे। अब हम इसे एक ग्लास की सहायता से बराबर बराबर काट लेंगे, जिससे एक बराबर बन जाए हमारी। बाकी जो बचेगा उसको फिर हम दोबारा आटे मिला के उसकी लोई बना लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ी सी लोइयां बेल के बना लेते हैं। अब इस तरह से ये जो हमने बैटर बनाया हुआ है पतला किनारे किनारे लगा देते हैं।
और चम्मच से थोड़ा थोड़ा फिलिंग हम इसमें डाल देते हैं। फिलिंग डाल के फिर इसके ऊपर से दूसरी रोटी को रख देते हैं जो हमने बेल के रखा हुआ है। इसको अच्छे से चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद इसको डिजाइन बनाना है इसमें हमें। देखिए इसको कैसे बनाना है, ऐसे दबाना है, मोड़ना है, दबाना है, मोड़ना है, फिर दबाना है, मोड़ना है, इस तरह से दबाते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे। इस तरह से इसमें सुंदर सी डिजाइन बन जाएगी। इसको दो तीन बार आप करोगे तो अच्छे से बनने लगता है। ये शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी होती है, ये देखिए बन गया एक। इसे हम इसी तरह से रखते जाते हैं और किनारे किनारे हल्का सा बैटर लगा देते हैं। ज्यादा फिलिंग ना भरे इसमें, ज्यादा फिलिंग भरने से फिलिंग बाहर निकल जाती है। इसको अच्छे से दबा दें। अगर ये अच्छे से नहीं दबेगी तो ये जब हम तलेंगे घी में तो ये फटने लगेगी। बस इसी तरह इसको दबाते जाइए, डिजाइन बनाते जाइए। इसी तरह से हम सारे बना करके रख देंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए सारे चंद्रहार हमने बना करके रख दिए हैं और गैस का फ्लेम ऑन करके हमने कढ़ाई में तेल डाल करके रख दिया है। इधर हमारा तेल गर्म हो रहा है, इधर हम गैस ऑन करके चाशनी के लिए बर्तन रख देते हैं। इसमें हाफ कप पानी डालेंगे हम, एक कप हमने चीनी ली। ये देखिए गैस का फ्लेम ऑन करके हमने चाशनी के लिए बर्तन रख दिया है। अब इसमें हम हाफ कप पानी डालेंगे, एक कप चीनी डालेंगे, हाफ कप पानी डाल दिया हमने और एक कप चीनी 250 ग्राम के करीब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। इधर हमारी चाशनी बनेगी और इधर कढ़ाई में हम अपना तलने वाला काम करते हैं। देख लेते हैं हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। तेल हमारा गर्म हो गया है। एकदम मीडियम पे हमने रखा हुआ है। एक एक करके हम इसमें
डालते हैं। एक बार में हम तीन चार ही डालेंगे। इधर हम देखते हैं हमारी चाशनी अब चीनी पिघली नहीं, पिघल जाएगी। ये देखिए, ये अपने आप फूल करके ऊपर आ जाता है। जब ये अपने आप फूल करके ऊपर आ जाए फिर हम इसको पलट देते हैं। इसका कलर थोड़ा लाइट गोल्डन हो जाएगा फिर हम निकालेंगे इसको। ये देखिए, ये अच्छे से सीख गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा कलछल को साइड में कर देंगे तो सारा तेल इसका निकल जाता है। अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है हमने। अब ये अपने आप फूल करके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है। ये फूल के अपने आप ऊपर आ जाता है। इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है। अब इसको पलट देते हैं। चाशनी में हम एक टेबल स्पून इलायची का पाउडर डाल देते हैं। चीनी खाली मेल्ट हो गई है। इसकी बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है हमें, एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी थोड़ी पतली ही रहती है इसकी। बहुत गाढ़ी चाशनी इसमें अच्छी नहीं लगती। अभी एक मिनट और इसको पकाएंगे। ये धीमी आंच में ही पकाते हैं तभी कुरकुरी होती है। ये चाशनी बन गई है हमारी। ये देखिए लास्ट वाली ड्रॉप जो है एक तार लेके गिर रही है। ये देखिए अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं चाशनी वाला। चाशनी हमारी देखिए ठंडी हो गई है। इसे हम ठंडी चाशनी में ही डालेंगे, गरम चाशनी में इसे बिल्कुल ना डालें। एक एक करके डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे तुरंत इसको।
इसी तरह हम सभी को डाल करके चाकू से तुरंत निकालते जाएंगे। होली दिवाली में घर में बनाइए, घर में बनी हुई शुद्ध सामग्री से जो हम बनाते हैं, और अपने हाथ से बनी हुई मिठाई या कोई डिश बनाते तो हमें बहुत खुशी होती है। दीपावली है और दीपावली के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट काट के रखे थे, बादाम और पिस्ता, वो मैं इसके ऊपर डाल के इसको सजा देती हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।